थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान खरगोन तहसीलदार योगेंद्र सिंह आर्य, नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चगोर और टीआई गहलोत सेमलिया उपस्थित हुए। वहीं थाना परिसर में तहसीलदार योगेंद्र सिंह आर्य द्वारा आगामी त्योहारों को देखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की समझाइश दी गई। प्रभारी गहलोत सेमलिया ने बताया कि सभी ग्रामीण जनों को आगामी त्योहार होली और गणगौर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने की अपील की गई। वहीं थाना प्रभारी ने कहा कि त्योहारों में हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। किसी भी प्रकार से किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे और शांतिपूर्वक सभी समाज जन त्योहार मनाए। शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र के सभी ग्रामीण जन, ग्राम के गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। सर, आज बरूड कस्बे में आपने शांति समिति की बैठक रखी है, इसमें जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? आज बरूड थाने में यहाँ के ग्रामवासियों को और थाने अंतर्गत आने वाली जो ग्राम है वहाँ के जो प्रतिष्ठित नागरिक हैं उनको सबको शांति समिति की बैठक में बुलाया गया था। और आने वाले त्यौहार जैसे कि अभी होलिका दहन, घुलंडी, रंग पंचमी, गणगौर के त्यौहार आने वाले हैं और साथ ही मुस्लिम भाइयों का सुबह बारात का त्यौहार है। इसमें परंपरागत रूप से शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं, किसी प्रकार का आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, कार्यक्रम इनके त्यौहार शांतिपूर्वक मने, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोविड के कारण सभी प्रतिबंध लगे थे। अब कोविड जैसे जैसे समाप्ति की ओर है तो प्रतिबंध में ढील दी गई है, तो ये आवश्यक है कि जब 2 साल से लोगों ने त्यौहार नहीं मनाया तो इस वर्ष ज़्यादा त्यौहार मनाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, तो कोविड के नियमों का भी पालन करें, लोग अपने जो दूरी बनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और इन सब का उपयोग भी करें और अपने त्यौहार भी अच्छे से मनाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।